खरगोन में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन का सराफा में जश्न मना रहे युवक के मारपीट पर आखिरकार एसडीएम अभिषेक गहलोत और एसडीओपी ग्लेडमिन एडवर्ड ई कार पर गाज गिरी है। खरगोन के भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने एसडीओपी को हटाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से शिकायत की थी। गुरुवार को घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज ने शहर में बाजार बंद कराकर एसडीओपी और एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर गोपाल चंद डाट को ज्ञापन सौंपा था। गौरतलब है कि सराफा बाजार में जश्न के दौरान पुलिस मारपीट का वीडियो को वायरल करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पुलिस को समझाने की नसीहत दी थी। खरगोन पुलिस के बंगाल पुलिस जैसे रवैये पर सवाल उठाए थे। विजयवर्गीय ने ट्वीट में घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की थी। इधर खरगोन सांसद पटेल के द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान से एसडीएम अभिषेक गहलोत की भी शिकायत की थी। गुरुवार को एसडीएम पर कार्यवाही को लेकर खरगोन शहर भी बंद हुआ था। सरकार ने एसडीएम अभिषेक गहलोत को अपर सचिव बनाकर भोपाल भेज दिया है। सांसद पटेल ने राम मंदिर के जश्न मना रहे लोग से पुलिस मारपीट करने वालों को तबादला कर हटाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार माना है। सांसद ने माना मंदिर के जश्न मनाने वालों के साथ मारपीट करने वालों को सरकार द्वारा हटाना लोगों की जनभावना है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लोगों ने शहर बंद किया था। सांसद पटेल का मानना था कि कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट का भी असर था कि दोनों अधिकारियों का सरकार ने तबादला किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सांसद महोदय, आज जो खरगोन का जो घटनाक्रम घटा, आज मार्केट बंद रखा, कल जो पुलिस वालों ने जो मारपीट करी थी राम जन्मभूमि को लेकर, जो आतिशबाजी हुई थी उसको लेकर, और उसी मामले को लेकर ट्वीट किया कैलाश विजयवर्गीय जी ने, और सीएम साहब से भी आपकी बात हुई थी, इस मामले में क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से राम मंदिर के भूमि पूजन के निर्माण को लेकर प्रदेश भर में अपने शासकीय मंदिरों में दीप प्रज्वलन करना था, आरती करना थी, ये सब प्रकार की चीज़ें हुई है। और एक दुखद घटना मेरे लोकसभा के खरगोन शहर में घटी कि कोई देशभक्त अपनी खुशी बांटने के लिए अगर पटाखे फोड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा उसको मारा जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। और ये बात जब ध्यान में आती है तो मुझे लगता है कि हमें दुख भी हुआ और जनता की भी आवाज़ थी कि ये घटना लोगों के दिल की घटना थी कि जब जहाँ पर खुशी का उत्सव है तो वहाँ पर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा करना, ये दुखद घटना है। और इसलिए मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, इन सबसे मैंने आग्रह किया कि ये ऐसा विषय हुआ है, तत्काल सरकार ने एक्शन लिया। और मध्य प्रदेश की सरकार भी देशभक्ति की सरकार है और इसी विश्वास पर मैं तुरंत एक्शन लिया और आज ही मैं तुरंत इसकी कार्रवाई करी। मैं पूरे खरगोन बड़वानी के लोकसभा के समस्त जनता और कार्यकर्ता की ओर से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्या कार्रवाई क्या हुई सर? दोनों जो उच्च अधिकारी थे एसडीएम और एसडीओपी, जिनके कार्रवाई को लेकर जनता में आक्रोश था और कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर ही इस प्रकार की घटनाएँ अभी दो दिन से चल रही है। और इसलिए जनता ये चाह रही थी, क्योंकि हमेशा से खरगोन में ऐसा इतिहास रहा है कि पुलिस प्रशासन और अन्य प्रकार के व्यवस्थाओं अगर मजबूत हो तो ही यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए तुरंत कार्रवाई हुई है और मुझे लगता है कि इसका एक्शन लिया गया। माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने भी ट्वीट किया था, उसका भी परिणाम निकला है और सरकार इस बात को गंभीरता से लेती है, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार देशभक्ति की सरकार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।